हाँ जी भाई, सत श्रीकाल सारा नू। हड़ लगभग नाली नाल लगते हर एक इलाके जी आ चुके हैगा, ते कोई रहिंदा होगा रतिए च भी तकरीबन कल दोपहर तो लैके दोपहरे 8 फुट पानी सीगा, हुण 12 साढ़े 12 दे इर्द गिर्द पानी पहुँचने वाला हो रहा है। लो 12 घंटे के बिच बिच 4-5 फुट पानी बढ़ गया, ते आऊ आए गया एक हिसाब ना, ये नहीं कह सकते भी हुण आऊगा, क्योंकि जेडे नीवियां जमीन ने रतिए दियां नाली दे नाल लगदियां उन्हां विच पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया। ते दिक्कत ये नहीं हुंदी भी चलो पानी आ गया अज है रब की कृपा ना कल नूं उतर जूगा, तो तंगियां पानी हुंदे होणगियां जिहड़ियां उह तां होणगियां होणगियां, पर पानी गए तो बाद उस तों भी ज़्यादा तंगियां होणगियां। ते सही मायने च बहुत ज़्यादा औखा हो जूगा वह इलाकों जोड़े ज़्यादातर पानी में डुब गए, जिन्हों में 6-6, 7-7 फुट पानी खड़ चुके है, तो उन्होंने इलाकों जीना दुशवार हो जूगा उतों के लोगों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत आदियां ने। कहन दिया गल् ने भी आप चलो भी सहारा ला देंगे, आप अज ला देंगे बाइयों कल ला देंगे, चलो आपने कहीं कोशिश करा भी सारे मिल के भी जिनी क हो सके उन्होंने मदद करिए, रहना तो चलो उन्होंने उत्थे पेगा, वो आपका इलाका तो नहीं कोई भी छड़ सकता हों, घर बार बड़िया मेहनत ना जुड़े होंगे ने, सब आखर में बसणगे तो उत्थे 2 दिन सामदा अगला 4 दिन सामदा, जिंदगी तो आपके घर च कट्टनी पैंदी आखर में, तो पर उन्होंने जिंदगी हुण होर भी ज़्यादा दुशवार हो जूगी आने वाले समय में जो पानी वापस चला गया, क्योंकि जिदा हुण एक पशु मुक गया वो पशु दुबारे जुड़न 3-4 साल लग जाते हैं, तो जिदी एक बारी फसल खराब हो गई वो फसल में पूरी उम्र लग जाती है घाट पूरी करन। ये जो प्राकृतिक विपदा आती है ये कल्ली मान लो आप ये नहीं कह सकते भी ये कल्ला किसान ज़्यादा प्रभावित होया, ये लगभग आप कह सकते भी तिने वर्ग ही प्रभावित हो जाते हैं। चलो गरीब बंदा वो तो बेचारा मार पैनी है पैनी सरकार की भी, तो यह जी प्राकृतिक विपदा की भी, दूजी गल मीडियम बंदा इस सब तो ज़्यादा मांझा जाता है, क्योंकि वह बंदा ना दिहाड़ी कर सकता है तो ना ही घर परिवार चलाना कोई होर हीला वसीला कर सकता है, क्योंकि होंगे ही नहीं कुछ, सब कुछ तो खुज जाता है। तो हुण मीडियम वर्ग वास्ते बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगियां, तो दिहाड़ीदार मजदूरों को दिक्कत आनगियां, जे पैसा होंगे आप दिहाड़ी फेरे लाने गए तो दिहाड़ी मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है जी, ऐ नहीं पता कितने जाना पे दिहाड़ी भालन वास्ते, कितने अपने पिंड विच ही रह के काम कर देंगे, कितने हुण हर एक चीज़ पिछे पै जूगी, जो हुण जरूरत की चीज़ होगी अगला उही पूरी करेगा, कोई ऐ नहीं हैगा भी जे आपां नूं नहीं जरूरत हैगी तो 4 पैसे ला लो, क्योंकि कई साल पिछे रुट जूगी जिंदगी इस चीज़ नाल। तो सब तो तंग उही गल फिर कहण दी आ गई भी हैसियत मुताबक ही मार पऊगी हर एक बंदे नूं, जे कोई गरीब है तो उन्हूं उस हिसाब नाल मार पऊगी, मीडियम परिवार है उन्हूं उस हिसाब नाल मार पऊगी, जे भाई तकड़ा है तो उहदी ज़्यादा डुबूगी तो उन्हूं उस हिसाब नाल मार पऊगी, ये विपता तो बच तो नहीं कोई सकता हैगा। ऐ भी चलो संभलन के तरीके अड्डो अड्ड हो जाते हैं गे, तो संभलदा हर एक कोई है, आपदे आप नूं कौन नहीं संभालना चाहुंदा, हर एक संभालदा आपदे आप नूं अज दे समय ते, बाकी भाई रब नाल साथ दिंदा हैगा तो आप ही कम करन च आपां नूं हिम्मत आउंदी हैगी, आपां हर एक ही आपदे आप नूं संभाल देंगे। तो इहदे विच वैसे एक गल देखण नूं होर मिली भी पंजाबी भाईचारा मान लो खालसा एड होया होर बहुत ग्रुप ने गे जिहड़े जदों कितें होर अदर कंट्रियां च दिक्कत आउंदियां ने तां भज्जे जांदे ने गे सेवा करन लई। कमाल की गल तो इस बार ये होगी भी किसी भी स्टेट ने हजे तक नाम नहीं लिया है, हरियाणा पंजाब च लगभग हड़ दोनों वांगू जी आ चुके हैं, तो किसी भी होर स्टेट ने नाम नहीं लिया भी असं चलो भाई जाके पंजाब का कोई हीला वसीला करिए, जा कोई केरल तमिलनाडु हर एक थान पर जाते हैं अपने पंजाबी बद चढ़ के जाते हैं गे, पर उस बाद वाली गल नहीं आई हैगी भी कोई तुरया हो अपने भी नाल दिखावे हाँ भी भाई, क्योंकि ऊँ तो की पता लगना होंगे की पता करते भी हम सोशल मीडिया यह जहा जरिया जिद पता लगता हाँ भी कौन कितने की हेल्प कर रहा है। हम गल करते हैं भी जिम्मे बाढ़ आ गई तो उत्थे दिक्कत की आनगियां, चलो एक आप आम सुभाती गलों के हिसाब न ही देख देंगे
मेन दिक्कत हुण जिवें बोरां दे पाणी ने लगभग उहनां विच पाणी वापस इह चला जाऊगा। जदों हुण दुबारा मोटरां चलणगियां तां इही गंदा पाणी मुड़ तुर के निकलूगा, ऐ नहीं पता किन्ना क चिर निकली जावे। पीण वाले पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा समा लंबा समा चल सकती है। पीण वाले पानी की दिक्कत ये नहीं है कोई भी जो 10 दिनों पानी घट गया तो वह बंदे 10 दिनों है आपका बोर चलाउणगे तो पानी पी लैणगे, ये नहीं हुंदा। तो यह वाटर सोर्स जो एक बारी अंदरला लैवल चले जाता है तो यह वापस उही पानी आने लग जाता है कई बार, तो नहीं मिक्स होकर तो यह आऊगा ही आऊगा। यह पानी 5-7 दिन जिथे भी खड़ गया उत्थे यह सड़न लग जूगा, गंदी बदबू आन लग जूगी, ये गंदा बैक्टीरिया बीमारियों वाला फैलन लग जूगा ये तो पीने वाले पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा आऊगी। तो दूजा औखा मेन चलो बंदे तो आपका हीला वसीला कर लेंगे ने आप इंसान आखिर रब ने सचे इस हिसाब नाले आप अपने वास्ते कुछ ना कुछ तो करांगे। सब तो ज़्यादा औखा पशुआ का हो गया, तो बेजवान होंगे ने पशुआ नाल ही, होर बंद पता नहीं गा पर किसान बंदे की पशुआ नाल ही सरदारी होंगी हैगी, क्योंकि जे 4 पशु घर च है फिर आप खेत दुध पानी लस्सी दही कोई कुछ ले जा सकते हैं। तो पशु बहुत जान माल का पशुआ का तो बंद तो चलो होना ही होना, पशुआ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो घाटा बहुत औखिया ने पूरी करनिया। तो जो पशु घटन गए भाई दुध लही दुध दसी दही ये सब कुछ तो घट ही जाऊगा। दूजी दिक्कत खाने की भी बहुत ज़्यादा आऊगी, खाना खाने की ला लो, क्योंकि कणक जो ड्रामा च पे जो किमें भी पे कणक हूँ जी पानी बढ़ गया वह कणक गल जूगी खत्म हो जूगी, आटा दाल सब्जियां सब कुछ एक बार तो तबाह हो चुके कई इलाकों च, तो यह हूँ बहुत चीज़ा तंग करनगियां आखिर पानी की हुई खाण पीन की हुई ये कमियां भी रहनगी रहनगियां। तो हूँ अगे इस चीज़ तो चलो नुकसान वाला तो होया जे भाइयों का होगा, फायदा चुकन वाले भी बहुत आने गए, हूँ वाधू ग्रुप तैयार हो लग जाएंगे, जोड़ा पिंड छटिया हुआ बंदा होगा वो बना के बैठ जूगा भी मैं सेवा कर दें भाई आ मेरा नंबर है इस पाओ पैसे ये आप फलाने पिंड की करके मैं करे भी वह सेवा ऐसी गल नहीं कोई 2-4 की करके सेवा बाकी भाई गुप्त दान। तो मेरे हिसाब न आप सीधा जाके अगले की सहायता करिए कोई मिलजुल के किसी एक पिंड की किसी 2 पिंड की तो उस चीज़ का ज़्यादा वधिया फर्क पैंदा है आपां नूं, मान लो अगले तक सीधी मदद तो पहुँचूगी रास्ते आने वाले नकली लुटेरियां तो बच सकते आप, नकली ग्रुपा तो ये 5-7 जने इकट्ठे होके मिलजुल के बना लेंगे हुण अकाउंट हाँ भाई असीं फलानी थां ते मदद करांगे पाओ पैसे। तो ऐसी गल नहीं सारे माड़े भी नहीं हुंदे, चंगे भी बहुत होणगे बहुत करनगे बेचारे मदद लग भी रहे ने, मेरे वर्गे तो वेले हजे तक खेत में फिरते हैं कम करते, तो बथेरे जिन्हों को ना जमीन है जा जायदाद है तो आपो आपके कम छड के जाके बन्ना बुन्ना तो लगे पे ने, तो मदद कर भी रहे ने भाई दुनिया धींग तो धींग पई हैगी बहुत मदद वाले ने, पर भाई जड़ियां दा पानी खड़ गया हुण जिंदगी बहुत औखी हो जूगी, बहुत मुश्किल आनगी उन्हां नूं जीण वास्ते, सड़े हुए पानी दे विच रहना तुसीं आप सोच के देखो किन्ना मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। चलो भाई पुगतना तो पऊगा, बाकी रब मेहर करू कोई कोई नवी उम्मीद की किरण लिया उन्होंने बइया वास्ते, तो सरकार साथ देन तो वधिया गल है। हुण भगवंत मान का बयान आया सी आप दिहाड़ी देवें फलाना देवें कह दियां गल्लां हुंदियां ने भाई कोई नहीं दिंदा हुंदा, मिलदे तो दिहाड़ी के कित्थों पैसे मिल जाएंगे नहीं मिलते है, जे उहदे कणियों अलाउड हो भी गए कोई 400 रुपये दिहाड़ी 500 रुपये दिहाड़ी के हिसाब ना तो विचाले बहुत व्डे व्डे मच्छ आवे जे हजम कर जाएंगे, सरकारी पैसा तो ही नहीं आम बंदे तक छेती छेती पहुँचता है क्योंकि विचाले बहुत हो जाते हैं गे, तनखाह 80-80 हज़ार होंदिया नेगियाँ तो लैने 200-200 रुपये होंगे रिश्वत दे बंदे कितने हूँ बख्श देने उन्होंने वास्ते तो गफ्फे दे गफ्फे डिगणगे, हूँ फंड आवे सरकार कणियों वाधू आवे हर एक वर्ग वास्ते आऊगा, तो पर सब तक सही पहुँचता तो कौन नहीं, लाने वाले 4 ही बंदे सही होंगे ने गे 96 बंदे खाने वाले होंगे ने गे, तो बाकी चलो भाई किस्मत है जी जिमें बनी देखते हैं अगे अगे की बनता है, वाहगुरु मेहर रखे भाइयों पर उन्होंने अगे बढ़न का बल बख्शे, तो जो वीर भाई साथ निभा रहे हैं भाई उन्होंने होर भी ज्यादा शुक्रिया आपका कम कार छ के उन्होंने मदद करने
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।